कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। जानलेवा वायरस ने आज भी 114 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 5000 से ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,066 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमुई COVID-19 टेस्ट की तादाद 1,73,496 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5,050 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7,21,018 हो गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,68,750, पंजाब में 2,48,438, खैबर पख्तूनख्वा में 98,301, इस्लामाबाद में 65,700, बलोचिस्तान में 20,241, आजाद कश्मीर में 14,461 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,127 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 73,875 है, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम को लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर तक तौसी दे दी। कहते हैं प्रोग्राम को मरहलावार पूरे मुल्क में शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि कमजोर तबके को ऊपर उठाना रियासत की जिम्मेदारी है। मोबाइल किचन के जरिए मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा, मुस्तहिक और पसमानदा तबका मुस्तफीद होगा। उन्होंने कहा कि कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के आगाज पर सैनेटर सानिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। पहले तो मैं आपको सानिया, सेनेटर सानिया, आपको ख़ास मुबारक देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा आइडिया था कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए, इसका आगाज़ किया आपने। और ये मैंने आपको आइडिया दिया था, उसके बाद फिर आपने उसको डेवलप किया आइडिया को कि हम कैसे सोचा कि क्या छोटी दुकानें बनाएंगे, क्या करेंगे। और फिर ये जो आइडिया कि एक ट्रक किचन, जिसके अंदर किचन होगा, वो रूट्स के ऊपर जाएगा, जो वो इलाके जिधर सबसे मुस्तहिक लोग होते हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, तो उनको वो ट्रक उन रूट्स के ऊपर चलेगा। इस प्रोग्राम को मरहलावार फरोख दिया गया। मुल्क पर कर्जे चढ़े हुए हैं, आवाम पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम को तौसी देने की इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ये अमल काबिल जिक्र है कि मस्कूरा प्रोग्राम के जरिए खाना फराहम करने वाली गाड़ी मखसूस मुकामात पर 1,500 से 2,000 अफराद को रोजाना खाना मुहैया करेगी। कबल अजी कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरू किया गया था। वजीर आजम इमरान खान ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से खत लिखा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी वली अहद के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को भी खत लिखा है, जिसमें इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने अपने खत में कहा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ मौसमियाती तब्दीली के खतरात ज्यादा है, और मौसमी खतरात से निमटने और बचाव के लिए पाकिस्तान इकदाम कर रहा है। आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाएं। वजीर आजम ने खत में लिखा कि पाकिस्तान कार्बन की कमी के लिए मुतबादिल तवानाई के मंसूबे शुरू कर रहा है। बिलियन ट्री सुनामी, नेशनल पार्क्स, क्लीन ग्रीन के प्रोग्राम जारी हैं। पाकिस्तान ने लातादाद ग्रीन जॉब्स दी, 10,00,000 एकड़ जंगलात को महफूज बनाया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरात कम करने के लिए भरपूर तआवुन को तैयार है। पूरी दुनिया को मौसमियाती खतरात को भांपते हुए हंगामी इकदामात करना होंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी खत लिखा, जिसमें इमरान खान ने सऊदी हुकूमत की जानिब से मुमलिकत में 10 अरब और खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में मुमासलत है। साल 2014 से 2018 के दौरान हमने 1 अरब दरख्त लगाए, 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मनसूबा है।
वज़ीरे दाखला शेख रशीद का कहना है कि स्विस अकाउंट्स केसेस दोबारा खोले जाएंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीरे दाखला शेख रशीद का कहना था कि डस्का इलेक्शन में जमहूरियत की जीत हुई, हुकूमत डस्का इलेक्शन हार कर भी जीती है, जबकि पंजाब में आइंदा इलेक्शन पीटीआई और नून लीग के दरमियान होगा। पीटीआई की खुशनसीबी है कि इसे नालायक अपोजिशन मिली। अपोजिशन जमातें आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, जबकि स्विस अकाउंट्स केसेस दोबारा खोले जाएंगे। वज़ीरे दाखला शेख रशीद ने कहा कि शहजाद अकबर एहतसाब के वज़ीर हैं, वो चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मामलात को देख रहे हैं। FIA मेरे मातहत है, मगर शहजाद अकबर जो कर रहे हैं उन्हें करने दें। उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जबकि जहांगीर तरीन कहीं नहीं जा रहे। वज़ीरे दाखला ने कहा कि वज़ीरे आज़म इमरान खान ने तमाम माफिया को ललकारा है और उनकी कोशिश है कि लूट मार करने वालों पर नकेल लगाई जाए। इमरान खान महंगाई से मुतालिक मामलात को खुद देख रहे हैं, जबकि माह रमजान में कोशिश होगी कि लूट मार को कंट्रोल किया जाए। वो खुद इमरान खान महंगाई को देख रहे हैं और इस रमजान में इमरान खान और उसकी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि माफिया और चोर बाजारी और लूट खसूट और लूट मार का जो एक धंधा है उसको कंट्रोल किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मजहबी मुकामात को निशाना बनाना आलमी कानून के खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने बर्बरियत की इंतहा करते हुए मजीद 4 निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा सफाक फौज ने जिला शोपियाँ में एक मस्जिद पर भी गोलियां बरसाई। भारतीय फौज की इस गैर इखलाकी हरकत पर पाकिस्तान ने मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत की है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय फौज ने मस्जिद पर फायरिंग की और हैंड ग्रेनेड हमला किया। मस्जिद पर हमला नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की बुनियाद पर किया गया। तर्जुमान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जाली ऑपरेशन और मावराए अदालत कतल मामूल बन चुका है। भारतीय फोर्सेज की गैर इंसानी हरकत इखलाकी पस्ती का मजहर है। उन्होंने कहा कि मजहबी मुकामात को निशाना बनाना आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत कश्मीरियों की जद्दोजहद में साथ खड़ी है। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी है कि PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। शेड्यूल के मुताबिक 22 मई से 28 मई तक तमाम टीमें करंतीना करेंगी। करंतीना मुकम्मल होने के बाद 29 मई से 31 मई तक तमाम टीमें प्रैक्टिस करेंगी। जराये के मुताबिक 1 जून से PSL 6 के बकिया मैचेस का आगाज होगा। 16 जून को प्ले ऑफ मैचेस खेले जाएंगे और फाइनल 20 जून को खेला जाएगा। जराये के मुताबिक दिफाई चैंपियन कराची किंग्स 2 जून को मुल्तान सुल्तान्स के मदे मुकाबिल होगी। 6 जून को कराची किंग्स का टाकरा पिशावर जलमी से होगा। 10 जून को कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच होगा, जबकि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स 12 जून को टकराएंगे।